गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। मैं हूँ द प्रिटी नर्स। कैसे हैं आप सब? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। सो गाइस, आज मेरा डे ऑफ है। मैं तो आज पूरा टाइम घर पे रहने वाली हूँ, और आज मैं काफ़ी लेट सो के उठी हूँ क्योंकि मेरा डे ऑफ है। जब भी मेरा डे ऑफ होता है तो मैं आराम से ही सो के उठती हूँ। तो अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं सो के उठ चुकी हूँ, और अब मैं जा रही हूँ, थोड़ा वॉशरूम जाती हूँ, फ्रेश हो जाती हूँ, नहा के फिर मैं आपसे बात करती हूँ। सो गाइस, मैंने नहा लिया है और मैं नहा के रेडी हो चुकी हूँ। और पता नहीं क्यों नहाने के बाद इतनी ज़ोर की भूख लगती है, तो मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। अब मैं जाके देखती हूँ किचन में कि नाश्ते में क्या है। अगर कुछ नहीं होगा तो मुझे बनाना पड़ेगा, तो देखते हैं। चलिए किचन में चलते हैं। गाइस, मुझे बहुत जोर की भूख लगी। किचन में जाने से पहले मैंने देखा कि नीचे केले रखे हुए थे, मैं पहले केले ही खा लेती हूँ, उसके बाद में जाऊंगी। सो गाइस, मैं किचन में आ चुकी हूँ, और किचन में आपको दिख रहा होगा ये पीछे पोहे का पैकेट रखा हुआ है। तो मैं अब पोहा एंड चाय बनाऊंगी अपने लिए, और फिर आराम से नीचे बैठ के अपने रूम में पोहा एंड चाय एंजॉय करूंगी। चलिए पोहा बना लेते हैं फिर। तो मेरा पोहा रेडी हो चुका है और चाय भी मैंने बना ली है। अब मैं अपना नाश्ता एंजॉय करूंगी, थोड़ी देर आराम से बैठूंगी। मुझे ना ऐसे जब मैं खाना वाना खाती हूँ ना, तो मुझे बहुत आराम से ही खाना होता है। मैं बहुत धीरे धीरे एंजॉय करते करते अपना खाना खाती हूँ, तो मैं नाश्ता भी बहुत धीरे धीरे ही खाऊंगी। अगर मैं आप लोगों के साथ नाश्ता करूंगी ना, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत धीरे धीरे खाती हूँ। तो चलिए, मैं नाश्ता करने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगने लगी है। मैंने थोड़ी देर पढ़ाई किया, फिर उसके बाद पढ़ाई करते करते एक चिप्स खाया मैंने, उसके बाद अब मुझे फिर से भूख लगने लगी है। अब मैं खाना खाने जा रही हूँ। चलिए आपको अपना खाना दिखाऊँ। खाने में दाल है, चावल है, सैलेड है। ओके, मैं खाना खाती हूँ, उसके बाद खाना खाने के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँगी, फिर शाम को उठ के कहीं घूमने जाऊँगी। ओके, तो मैं सो के उठी, मुझे उठने में काफ़ी लेट हो गया, रात हो गई यार। 7 बजे मैं सो के उठी, फिर सुप्रिया की कॉल आई मेरे पास कि तुम तुरंत मेरे पास आओ, हम लोग कहीं चल रहे हैं। तो मैंने पूछा कहाँ चल रहे हो, उसने मुझे कुछ बताया नहीं, बस बोला तुम जल्दी से आ जाओ। फिर भी मुझे मतलब तैयार होते होते रात के 8 बज चुके हैं। मैंने बोला ये कोई जाने का टाइम है क्या, नेक्स्ट टाइम फिर कभी चलते हैं यार। वो मुझ पर गुस्सा कर रही थी, मैंने और लेट कर दिया। सो गाइस, मैं सुप्रिया के घर पहुंच चुकी हूँ। देखती हूँ वो मुझ पर कितना गुस्सा करती है क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। हे हेलो, किधर हो तुम? हाय, नमस्ते आंटी। क्या हो गया? हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? तो मैं सुप्रिया के घर आ चुकी हूँ। सुप्रिया बहुत शर्मा रही है, बोल रही है कि मुझे अभी थोड़ा मेकअप करना है। और उसने मेरे लिए ये मूंग दाल के पकोड़े बना के रखे हैं, तो अब मैं पकोड़े एंजॉय करने जा रही हूँ। देखते हैं इसने कैसे पकोड़े बनाए। मुझे ना मूंग दाल के पकोड़े बहुत पसंद है, और पता नहीं कि इसको मेरी पसंद कैसे पता चल जाती है। उसी को बोलते हैं रियल फ्रेंडशिप, बोलते हैं इसको। बहुत टेस्टी है। अच्छा है। पूरा खा लो फिर एक ही बार में।
जल्दी बताओ हम लोग किधर जा रहे हैं, जल्दी बोलो हम लोग किधर जा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं, बाद में बताते हैं आपको। सो गाइज हम लोग जा रहे हैं DIY, हमें थोड़ा सामान लेना है, मिस्टर DIY जा रहे हैं हम लोग। और ना बहुत टाइम हो गया मैं ऑटो में नहीं बैठी हूँ, आज मैं ऑटो से जा रही हूँ। कॉलेज टाइम में मैं ऑटो से जाती थी तो मेरे पता है ऑटो वाले से बड़ा झगड़ा हो जाता था, क्योंकि ऑटो वाले का कोई फिक्स ही नहीं होता है कि वो कितने रुपए ले रहे हैं। पता है कभी ज्यादा ले लेते हैं, कभी उससे ज्यादा ले लेते हैं, उनका कोई फिक्स नहीं होता, इसलिए मुझे ऑटो वाले पे बड़ी गुस्सा आती है। पर कोई नहीं, आज तो ऑटो से ही जाना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं है कि इस टाइम कन्वेंस का कितना चल रहा है, तो ऑटो वाले ना ऐसे बोल देखते हैं कि कोई नया है तो उससे ज्यादा पैसे ले लेते हैं। ओके धन्यवाद। ऑटो में लाइट नहीं है क्या भैया? अरे वाह लाइट आ गई है। ओह तो हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं। ओके तो चलिए हम लोग मिलते हैं DIY स्टोर में, तब तक के लिए बाय। तो हम लोगों ने स्टोर में एंट्री कर ली है, मैंने और सुप्रिया ने। अंदर जाते ही काफ़ी सारी चीज़ें देखी, बहुत प्यारे प्यारे पाउचेस देखे, पहले बहुत क्यूट क्यूट से लग रहे थे मुझे। उसके बाद पीछे मेरी नज़र गई फ्लावर पॉट पे, बहुत प्यारे प्यारे से थे। मैंने काफ़ी देर देखा, ऑब्जर्व किया कैसा है क्या है, फिर बाद में मैंने चूज़ किया कि कौन सा मुझे लेना है। प्राइस के अकॉर्डिंग देखा मैंने और काफ़ी ठीक ही प्राइस था। ये पर्पल वाला भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो इनमें से मैंने कोई एक लिया है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और फिर उसके बाद मैंने बोला सुप्रिया चल और चीज़ें देखते हैं। सुप्रिया तो अलग ही भाग गई थी, उसको पता नहीं क्या क्या देखना था, पेंट की चीज़ें और ब्रशेस वगैरह देख रही थी वो। मुझे तो ये क्यूट क्यूट से फ्लावर पॉट्स ही बहुत प्यारे लग रहे थे, तो मैं वही देख रही थी। उसके बाद मैंने थोड़ी मस्ती की, थोड़ा खेलती रही मैं। फिर उसके बाद मैंने देखा कॉम, मैंने इसका प्राइस वगैरह देखा। और ना रास्ते में मेरे बाल काफ़ी ख़राब हो चुके थे, फिर मैंने इधर उधर देखा कि कोई देख तो नहीं रहा है, फिर मैंने अपने बाल ठीक किए, फिर अचानक पीछे से कोई आ गया, वो देख के हम लोगों को भाग गया, लेकिन मैं कंटिन्यू रही, मैंने अपने बाल वाल ठीक किए, क्योंकि मुझे दूसरों से किसी से शर्म नहीं आती। वो मुझे हम लोगों को देख के भाग गया। एंड गाइस आप ये बताइए कि मैं इस हेयर बैंड में कैसी लग रही हूँ, बहुत क्यूट सा था। वैसे यहाँ पे बहुत अच्छा कलेक्शन है हेयर बैंड्स का। फिर उसके बाद हमने और सारी चीज़ें देखी, काफ़ी सारी चीज़ें ली भी हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि हम लोगों ने DIY से क्या क्या लिया है। एंड फिर हम लोग गए टेडी बियर इतना क्यूट था ना, मैंने उसके साथ काफ़ी देर तक खेला, मैंने उसको प्यार किया, हग किया, मुझे बहुत प्यारा लगता है टेडी बियर, मुझे बहुत पसंद है। मैंने प्राइस की कोई परवाह नहीं किया, मैंने इसको लिया है या नहीं लिया ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड फिर मैंने इसको वापस से रख दिया। एंड फिर मैंने देखा प्यारा सा एक और मुझे टेडी बियर दिखा, वो मुझे बहुत क्यूट लग रहा था, पिंकू सा, वो भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने इसका भी प्राइस चेक किया, प्राइस मुझे ठीक ठाक लग रहा था। तो फिर उसके बाद गाइज कमेंट में बताइए कि ये मास्क मेरे ऊपर कैसा लग रहा है। एंड गाइज मैं अपना ये व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने DIY स्टोर से क्या क्या चीज़ें लिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय गुड नाइट।